आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस दैट क्या बोलो आई गॉट ए जॉब. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का दिन मेरा आई डोंट नो कि कैसा जाएगा, बट आई विल लेट यू नो कि क्या होंगे आज के दिन. ऐसे कुछ स्पेशल वाला कुछ नहीं होंगे, बट लेट्स सी, लेट्स मेक स्पेशल टुडे. एंड सो मैंने फ्रेश अप कर लिया, बट आज अभी गोइंग टू टेक अ कॉफी, और मैं के कॉफी फॉर मी, या उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करता हूँ. सो ठीक, मैं अभी अपना कॉफी बनाऊंगा एंड देन आई विल सी यू अगेन. मेरा कॉफी बन गया, चले सो लेट्स एंजॉय द कॉफी. सो आई कम इन द टेरेस फॉर टेकिंग सन बाथ. यहाँ धूप निकल रहा है. ना अच्छा है ना धूप, हमको तो गर्म, मुझे तो गर्म दिन ही अच्छा लगता है ठंडा दिन से. आई डोंट लाइक ऑल विंटर सीजन, आई लाइक समर सीजन. समर में कुछ भी कर सकते हैं, लाइक लेजी नहीं होते एंड देन अच्छा होता है सब कुछ. ठंडा में नो ऑप्शन, ब्लैंकेट के अंदर गलने में नहीं होता, लेजी करा देते हैं. सो आई लव समर सीजन देन अ विंटर. आप में दिखाऊंगा वो लोग एक सन बदले रहे हैं. यू आर टेकिंग सन बट आप सभी को एक सरप्राइज वाला चीज दिखाएगा. यू गाइस विल सरप्राइज. देखो कितना मौसम सुहाना है, बहुत फ्रेश है मौसम. जो अभी नो फॉगी नथिंग पॉल्यूशन कुछ नहीं, ब्लू ब्लू सा आसमान दिल्ली में देखने को मिल रहा है. दिल्ली में इतना ब्लू ब्लू सा मौसम देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है. बस पता नहीं, दो तीन दिन से बहुत बारिश गिरा था ना, तो इसीलिए मौसम साफ हो गया. सो दिस इज माय बोर्स, इसे अभी आई एम गोइंग टू वॉश दिस. बहुत गंदा हो चुका है. अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो लेट्स सी, मैं साफ कर कर देता हूँ एंड बहुत काम है. सो ठीक है, मैं ये बूट्स मेरे सूट को साफ कर लेने के बाद में आई विल मीट यू. ओके, आफ्टर डूइंग माय वर्क लेट्स प्रिपेयर लंच. सो मैं खुद का मैं लंच में क्या बनाने जा रहा हूँ. लेट्स प्रिपेयर लंच. एंड बहुत ही कंस्ट्रक्शन का ऑसम आइडिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे बगल वाले घर पर. आप में वीडियो को दिखाई है कि क्या चल रहा है वहाँ पर. अभी कंटिन्यू देख ही रहा हूँ कि चावल बिता दिया, तो अभी सब्जी बनाएंगे. आलू इसका आलू आलू एंड ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिलता था ये बाहर था इसको सीम सीम एंड देन केवल इनकी मिक्स वेज बनाऊंगा. तो
तो लेट्स कंटिन्यू, आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या बनाऊंगा और कैसे कैसे बनाऊंगा, ठीक है। सिंपल रहेगा, कुछ ऐसे मज़ा मज़ेदार कुछ ऐसे अच्छा बोला था माँ के दाल वाला कुछ अच्छी दावत नहीं होंगे तो इसी को मैं बनाऊंगा। लेट्स कंटिन्यू माई वीडियो। After having my lunch, we went to park. While we return from the park, we purchased momo. This is a non-veg, like paneer momo. It was so delicious and we ended our day by having this. 1,000 years later. I want to tell you guys that kya bolo aapko thumbnail mein dekh liya hai kya ho gaya mere saath. I got a job. Wow. मैंने बोला था ना हॉस्पिटैलिटी में मैंने इंटरव्यू देने गया था, बट टाइम का शेड्यूल के वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सक रहा था, तो जैसे मैंने छोड़ दिया। तो फिर कुछ दिन के बाद मुझे 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे कॉल आया वहाँ से, एंड देन फिर मुझे बोला कि आप करना चाहोगे कि समय को एडजस्ट कर देगा, एडजस्ट कर देगा वैसे बोल रहा था। नाइट शिफ्ट कैसे होगा, शिफ्टिंग सिस्टम होगा, हमने शिफ्टिंग सिस्टम है एंड देन अपना ही लोकेशन में बोल के करेगा बोल रहा था ना। एंड फिर वहाँ जब पता चला कि ये साउथ दिल्ली भेज रहा था, तो ऐसा हुआ कि साउथ दिल्ली कितना दूर है यहाँ से मेट्रो लेके, तो मैं नहीं जा सकता रोज, मेट्रो में इतना पैसा जाता है, तो एक दिन फिफ्ट जाने से हो तो 15 दिन में मेट्रो का ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा होने से तो बहुत मेरा खुद का वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा था। और फिर वहाँ से मुझे कॉल आ गया कि कुछ दिन के बाद में कि आपको वो करो, मैं ज्वाइनिंग लेटर में वो कर देगा, आपको ओपन लेटर में भेज दूँगा। तो मुझे बुलाया है वहाँ पर वापस, और या मेरे ऐसे प्रोसेस हुआ कि मैंने ज्वाइनिंग लेटर में ज्वाइन कर दिया, एंड देन मैं जॉब में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमको भी लाइक आई नीड मनी ना, कितना पेरेंट्स से डिपेंड होगा, होने मन नहीं है पेरेंट्स से डिपेंड, बट वो लोग भी पेरेंट्स है तो लाइक पेरेंट्स है तो वो लोग अभी हक बनता है कि अभी एक्सपीरियंस करना है कि वो लोग जो हमको देखे, पर हम ऐसे करने मन नहीं कि अभी हम भी बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो इसीलिए मतलब कि हम डिपेंडेंट होने मन नहीं, कि हम पेरेंट्स डिपेंडेंट होने मन नहीं होता था कि पेरेंट्स लोग हैं, तो इस वह अभी हम ये जॉब को कर रहे हैं, देखते हैं कितना मंथ तक करेगा, लाइक अच्छा होता है वो कंटिन्यू करेगा, सैलरी भी अच्छा खासा ही है, लाइक जुड़ जाएगा ऐसा लग रहा है कि मुझे, और मुझे हॉस्पिटैलिटी में भी हमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसा को जाके हम जो कोर्स कर उसमें नहीं मिल रहे थे, आई थिंक लाइक गेट अ जॉब गियर ना, सो दैट्स व्हाई
के लिए हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज नेवर कम बैक, सुना ही होगा। तो जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ना, तो कभी उसको लाइक ना मत बोलो, अगर अच्छा चीज़ में है तो करके देखना चाहिए हमको। जितना हो सके आप करो बस करो, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो। पेरेंट्स भी मतलब ऐसा पेरेंट्स होकर को कितना देते रहेगा, लाइक आपका एज ग्रो होते जाएगा तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो आप भी उसमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, आपका जितना एक्सपीरियंस नथिंग कुछ नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आप जो खुद से कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई मतलब अलग अलग चीज़ में स्मार्ट होता है ना। आप अपने वो चीज़ स्मार्टनेस का कई चीज़ में ढूंढो कि क्या मैं करने से ठीक हो, क्या करने से ठीक हो, ये सब करो। ये सही है, हम भी स्मार्ट है बोल के नहीं है, बट हमको ये सब चीज़ हमें अच्छा लगता है। जॉब बुक ढूंढना ये सब मतलब कि दिस माई टाइप ऑफ लाइक यू नो वर्क बुक टी, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। तो इतना ही है आज का, आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि मुझे जॉब मिल जाए बोल कर। सो ओके, पर जॉब क्या है मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये क्या जॉब है बाद में आपको पता चल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्लोज नहीं करूंगा, लाइक डिस्क्लोज नहीं करूंगा ये सब चीज़ को। ठीक है, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड देन आई सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और आप सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आप लोग का प्यार। आप लोग है तो हम भी होगा, सो दैट्स वाई। थैंक यू।